फ्रेंड, जैसे कि मैंने वीडियो में बताई कि अभी हम लोग मंदिर जाएंगे, तो हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। तो देख सकते हैं कि हमारे घर के पास में बिल्कुल है हनुमान जी का मंदिर, बालाजी मंदिर। तो यहाँ पर प्रसाद खरीद के दीपान से चढ़ाने के लिए आ गए, और साथ में हम हैं, आंटी जी हैं, बाकी बहुत से लोग हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, उसके बाद में माँ दुर्गा जी हैं, तो मतलब सारी देवी देवता हैं यहाँ पर जितने हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि हम यहाँ पूजा पाठ अपना कर लिए हैं, और फिर बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन हम लेट हो गए क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना था। तो सबसे पहले इन्हें खाना बना के पैक करके खाना बनाने दे के उसके बाद में फिर मैं आई हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को ही प्रसाद चढ़ता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ था तो इसलिए लेट भी हो गया। हमें आते आते तो यहाँ पर मतलब रात में 8:30-9 बज गए। लेकिन देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर लोग बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, और दीपांशु सब जगह प्रसाद भी चढ़ा रहा है। तो आंटी जी भी हैं साथ में, वो भी अपना प्रसाद वरसाद चढ़ा रही, पूजा वूजा कर रही हैं। और यहाँ पर है कि एक साइड में अपना धूप अगरबत्ती जो जिसे जलाना है करना हो कर लीजिए। यहाँ पर शंकर जी, पार्वती जी हैं, मतलब गणपति जी हैं, सबका मतलब जो भी है सबका है पूजा करने के लिए। जगह बहुत बढ़िया, मतलब खुले में जगह है, पूजा अच्छे से हो जाती है चाहे कितनी भी भीड़ हो। तो मैं भी यहाँ पर आई हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि सारा काम निपटाने के बाद ही फ्री हुई, क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना था, आज इनकी नाइट थी, तो इसलिए काम भी ज़्यादा हो जाता है नाइट वाले दिन। तो यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद में हम एक और मंदिर जाएंगे, जो वो भी हमारे गली में, हमारे घर के पास में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बजरंग बली जी हैं, बालाजी हमारे, राम लक्ष्मण सीता जी, हनुमान जी, जैसे मैंने बताई आप सबको, माँ दुर्गा जी हैं। तो सब बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक पूजा पाठ हमारा हो चुका है, अच्छी तरह से हम दर्शन भी कर लिए हैं। तो जैसे कि आज हनुमान जयंती के चक्कर में जगह जगह पे भंडारा, हमारे गली में भी, हमारे घर के पास में भी भंडारा था 2-3 जगह। तो ऐसे अच्छा लगा कि मतलब बहुत बढ़िया से हम अपना धर्म निभा रहे हैं, अच्छे से पूजा पाठ हमारा हो रहा है। यहाँ पर साईं बाबा का भी है मंदिर। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद में उसके बाद हम प्रसाद चढ़ा के और दो मतलब दीपक पर जला के उसके बाद चलेंगे हम दूसरे मंदिर में, जहाँ पर आप सबको दर्शन कराऊंगी और दिखाऊंगी, बताऊंगी यहाँ पर हनुमान जी का किस तरह से हमने आरती पूजा सब कुछ किया और कैसे हनुमान जयंती यहाँ पर मनाया गया हमारे यहाँ, वो सब आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा कि मैं आप सबके पास अच्छी से जल्द वीडियो पहुंचाऊं। जो भी हो, इस बीच में कोई बड़ा वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, जैसे कि मेरे रीढ़ के हड्डी में दर्द है कुछ दिनों से, तो इसका भी मैं जांच करा रही हूं, पता कर रही हूं कि फिर बात क्या है, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ इस बीच में, तो थोड़ा वीडियो नहीं आप सब तक पहुँच पाता इसके लिए सॉरी। तो देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पर मंदिर। तो हमारे यहाँ का ये दुर्गा मंदिर है, तो देख सकते हैं हमारे पंडित जी बैठे हैं यहाँ, हनुमान जी का आरती पूजा भी कर रही हूँ मैं, मतलब बाकी लोग सब लोग कर रहे हैं पूजा यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है सभी करे हैं। तो आज मैं लेट हो गई मंदिर आने में, क्योंकि बताई जैसे आप सबको कि तबीयत भी नहीं ठीक और काम भी हो गया इतने टाइम ज़्यादा, मैंने ऑफिस जाने के चक्कर में खाना वाना बनाने में लग गई थी, लेकिन पूजा तो सब करे यहाँ पर। मतलब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मतलब घी का दीपक मैं घर से बताई थी आप सबके कि 5 दीपक घर से बना के लेके जाना है, घी का दिया जलाना है। तो देख सकते हैं एक तो हमने हनुमान जी के पास जला दी, और दूसरा यहाँ पर हम लेके जाएंगे शंकर जी के पास, उसके बाद वासुदेव जी हैं, मतलब बहुत सी ऐसी हैं। तो सब जगह पे ऐसे जलाना है और पूजा करना है। हनुमान जी का मंदिर हमारा जहाँ मैं अभी आप सबको बताई थी वो हनुमान मंदिर है, और ये दुर्गा मंदिर है, तो ये हमारे बिल्कुल घर के पास में ही है, कभी भी आके हम पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन लेट होने की वजह से आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन लोग अभी एका दुक्का आते ही हैं पूजा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बस मैं अकेली आई हूँ लेट हो गई हूँ, लेकिन हाँ जो लोग पहले से आए वो पूजा पाठ उनका हो चुका है। तो आप लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से वीडियो में अच्छे अच्छे जो मतलब है कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद में जैसे कि आजकल वीडियो में बताया कि अपने तबीयत की वजह से मैं नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ मुझसे, क्योंकि मैं इसका जांच करा रही हूँ कि दिक्कत क्या है, क्योंकि एक साल भर से हो गया कि मैं मेरे रीढ़ के हड्डी में काफ़ी दर्द रहता है, जैसे चुभन सी होती है, इस वजह से मैं परेशान ज़्यादा हूँ। मैं इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है वीडियो डालने का, शॉर्ट वीडियो है क्या कि एक मिनट में मैं डाल के छुट्टी पा जाती हूँ, लॉन्ग वीडियो के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है और सब कुछ करना मुझे ही पड़ता है, उसे वीडियो को बनाना, एडिट करना, फिर डालना, तो इसलिए मैं थोड़ा थकी रहती हूँ, शरीर में दर्द रहता है, तो इसलिए आलस हो जाता है थकान की वजह से, मन ही नहीं करता। तो मैं आप सबको वीडियो डालूँगी, देखने को मिलेगा,
और इसके लिए वीडियो ना जाने के लिए सॉरी बोल रही हूँ। इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो पे अच्छा अच्छा कमेंट करिए, ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। तो हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है मंदिर, दुर्गा मंदिर, तो देख लीजिए, यहाँ पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का है, तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन वर्शन हम कर लिए हैं, पूजा पाठ हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में हम जाएंगे अपना घर पे, घर पे जाके वहाँ भी, मैं तो जैसे आप सबको बताई थी पूजा उजा हो चुका था मेरा, घर पे जाने के बाद फिर बच्चों को खाना पानी दूंगी। अभी तो मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, आंटी जी हैं साथ में, तो वही तो हम जहाँ भी जाते हैं साथ साथ ही जाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अकेले में, और फिर आंटी जी अकेले पड़ जाएंगी, इसलिए हम दोनों साथ जाते हैं, जा कहीं जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वासुदेव जी का है, पीपल का वो वृक्ष है, मतलब पेड़ है, तो बिल्कुल अंधेरा है, लोग पूजा करके जा चुके हैं, रात हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे फिर आप सबको बताई कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब लेट हो जाओ, तो इस तरह से आज मेरा भी लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूजा करने आई गई। तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आरवी ब्लॉग से, वो भी मेरा चैनल है।